चंडीगढ़ पुलिस का एक अहम कदम देखने को मिला। बता दें कि आपको मनी माजरा के इंदिरा कॉलोनी के अंदर आज नशे को लेकर एक एंटी ड्रग का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरिया पार्षद और डीएसपी एसपीएस सोंदी और एरिया इंस्पेक्टर एसएचओ रुताश यादव भी मौजूद रहे। देखें इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे नए ज्वाइन किए एसएचओ साहब ने, रुताश जी ने, ये मुझे बताया कि ये कैंप लगाना चाहते हैं, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके प्रताश जी को बताया कि वो चाहते हैं कि कैंप लगाया जाए। जिस तादाद में आज लोग अपने घरों का काम छोड़ के मतलब इस ड्रग विनेस कैंप में शामिल होने आए हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में ये लोग पहल कर रहे हैं। हमारी पहल तो है ही है, हम जब भी इनसे रूबरू होते हैं लोगों से तो इनको रिक्वेस्ट करते हैं सभी को कि कम से कम इस समाज में जो ये कोड है, जिसको हम कोड ही कहते हैं, ये जो ड्रग का नशा है ये घरों को बर्बाद कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारा फोकस है और फोकस रहेगा। और इस ये थोड़ा सा हल्का सा ये जो एरिया है, ये स्लम एरिया है, यहाँ थोड़े लोग अनपढ़ है, पर ऐसे भी नहीं है कि अनपढ़ नहीं है, लोग समझते हैं। पर मुझे ऐसी आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनसे लगता है कि मतलब जरूर हमारे साथ देंगे और ये इसको हम पूरा कंट्रोल करेंगे नशे के ऊपर। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब लोगों को जो सुन रहे हैं उनको अपने परिवार में, अपने घरों में और अपने जो नेबर्स हैं, जो अपने समाज में जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं, उनको बोलना चाहिए कि नशे से दूर रहना चाहिए। ये एक नशा ऐसा है जो समाज को खोखला कर रहा है। जैसे हमारे ये MC साहब ने भी बोला है, सुमन जी ने, कि मतलब ये चाहते हैं कि इनका जो ये एरिया है, यहाँ से कॉन्स्टेंट है, वो नशा मुक्त होना चाहिए। तो इनका भी एक बहुत बड़ा साथ है, जहाँ भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को हर किस्म की अवेयरनेस देने के लिए हमारे साथ शामिल होते हैं। तो मैं तो इनका भी बड़ा थैंक्स करता हूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो हमारा भी ऐसे ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एसएचओ साहब ने, जैसे पहले भी अपने यहाँ इनकी पोस्टिंग थी वहाँ कंट्रोल किया था, तो यहाँ भी पूरा कंट्रोल कर पाएंगे इस नशे को। नहीं, उसको ऐसे है, पहले भी दर्ज होते थे, पर ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो हम सारे एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएचओ साहब पहले भी बहुत काम अच्छा करते थे, अभी अच्छा करेंगे, ये पूरा हम कंट्रोल पा सकेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ अपने डिपार्टमेंट से। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जहाँ भी मैं लगता हूँ, जहाँ भी एरिया जो, तो वहाँ से नशे का खात्मा हो और नशे से लोगों को बचाया जाए, नशे से दूर रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले जो नशा दूर करने के लिए सबसे पहले जो मुहिम है वो कि लोगों को अवेयर करना और जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उनको रोकना। जहाँ से ये एक कानून मान लो या जैसे भी, कि जहाँ आपूर्ति खत्म, जहाँ मांग खत्म हो जाएगी तो आपूर्ति अपना आप रुक जाएगी। नशा रोकने के लिए सारे ही काम करें, अवेयर भी करें, लोगों को उनसे दूर भी रखें, और जो नशा सप्लाई करने वाले बेचने वाले हैं उनको भी रोक के उनके खिलाफ केस रजिस्टर करें, उनको पकड़ें, जिससे कि नशा रुक सके। यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि जहां भी कहीं नशा बिकता हो, जहां कोई नशा करता हो, उसके बारे में पुलिस को बताएं और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार में अपने से छोटे या बड़ों को ये बताएं कि ये नशा है जो ख़राब है, और नशे से उनको रोक के। हमारे SHO जी IT पार्क थाने के हैं, रोहतास यादव जी, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हमारे DSP सोंदी जी और हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मनी माजरा का उसमें शामिल हुआ और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जो शब्द SHO जी ने कहे हैं, यादव जी ने और DSP जी ने, और जो लोगों के प्रति, मैं ये कहती हूँ कि एक संदेश गया है। आज जो महेंद्रनाथ दुबे जी ने भी बोला है अपनी स्पीच में कि ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ है यहाँ पे हमारे कॉलोनी में, और जो आज का युवा है वो इतना नशे के प्रति वो हो गया है कि उसे चाहे घर में कुछ बर्तन बेचना पड़े, चाहे जो मर्जी चोरी चपका जो करना पड़े वो करता है, नशे में इतना ज़्यादा खो गया है आज का हमारा युवा। तो मैं चाहती हूँ जो हमारा आज का ये कार्यक्रम रहा, उस सब का एक ही उद्देश्य था कि नशे के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और इसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। जो हमारे आज के बच्चे हैं नशे के प्रति वो इतने जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो काफ़ी लोगों को, देखो लोगों ने बैठ के सुना और सुना नहीं समझा भी है। बहुत सारे लोग अगर 100 में से 10 भी आज सीख के जाएं कि नशे के प्रति जो हमारे SHO जी ने बोला है, सब ने बोला है, अगर 10 को भी इस चीज़ से फ़ायदा होता तो ये बड़े गर्व की बात होगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।